लोगों का नजरिया ये बन गया हुआ है ना कि दुनिया के बारे में खाओ पियो और मजे करो, तो ऐसे ऐसा सोचना ठीक है। अब आप कहेंगे खाना तो खेल नहीं है, लेकिन खाना आपको इतना मशगूल कर ले, इतना कर ले कि आप बस आउटिंग करें और होटलिंग करें और बस खाने पीने की तरफ रुझान हो, तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर ईमान। आपके ईमान के लिए ये मुफीद नहीं है। कभी कभी अपने पेट को भूखा रखने की भी आदत आनी चाहिए, इस लिहाज से कि मेरा नफ्स थोड़ी देर अजियत में रहे, अपने नफ्स को अजियत दिया करें। जितनी अजियत अपने नफ्स को आप देंगे, आपका ईमान उतना स्ट्रांग होगा, उतना मजबूत होगा। नफ्स की हर बात मानने से नफ्स को बढ़ावा मिलता है और वो मजबूत होता है, ताकतवर हो जाता है। एक वक्त आता है कि वो हम पर हावी हावी हो जाता है और हम किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते, अपने अपने आप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हत्ता कि हम लोगों की सोच इस कदर खेल तमाशा मजे लेने में, हर चीज में हम इंजॉय चाहते हैं, इवन कि हम चाहते हैं कि कुरान की मजालिस में भी हमें इंजॉय करवाया जाए, एंटरटेन किया जाए। कभी कभी हम कुछ महफिल मजलिस से ज्वाइन करते हैं ना, बाद में कहते हैं जी मजा नहीं आया कुरान सीखने का, कोई एंटरटेन नहीं किया, कोई हंसी की बात नहीं। इसीलिए तो लोग जहन्नम की और अजाब की बातें जो सुनाते हैं उसकी बातें नहीं सुनना पसंद करते हैं। बस जो मजे दिलाए, जो फन करे, जो फनी बातें करें, हम उसी उन मजलिसों को ही ज्वाइन करते हैं जहां पे फन होता है। हर चीज में मजा नहीं है। अगर हम कुरान को मजे के लिए पढ़ते हैं, एंटरटेन होने के लिए पढ़ते हैं, तो फिर तो अमल की तरफ नहीं आ सकते। अब यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं तो हमें किसी सब्जेक्ट में मजा आए या ना, हम उसको करते ही है ना, उसको 3 बार भी नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमें अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए उसको जान मतलब न चाहते हुए भी हम उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। नहीं समझ आ रही, दिमाग लड़ाते हैं आप, ये नहीं कहते कि मुझे ये किताब नहीं करनी, मैं छोड़ रही, डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, आपकी आपकी ग्रेड्स कम हो जाएंगे। तो कुरान के अंदर जब हमें मजा ना आने लगे तो हम इसको छोड़ के चले जाते हैं, नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा ठीक है। तो दीन को तब तक लेना जब तक उसके अंदर मजा आए, और जब मजा ना आए तो छोड़ देना, तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। दीन को सिर्फ मजे के लिए नहीं लेते, अमल के लिए लेते हैं।